हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, जितने भी नंबर सिस्टम है हमारे पास है, और जो हमारे पास गेट वगैरह है, बूलियन अलजेब्रा है, सारे के सारे यूनिवर्सल गेट, और गेट, एंड गेट, सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है। ठीक है, तो आज हम पहले बात करेंगे सिग्नल किसे कहते हैं, फिर हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, कैसे नंबर सिस्टम को डिनोट करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टा नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करेंगे, इसमें देखेंगे एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स, पहले सिग्नल्स पर बात करेंगे, सिग्नल किसे कहते हैं। सिग्नल्स होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी जैसे हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज है, करंट है, करंट यानी जो करंट हमारे पास है ना, है हमारे पास जो विद्युत धारा है। ठीक है, तो करंट है, ये सारे के सारे क्या है, सिग्नल्स है। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं, दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, एक ही बात, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी जो इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस, करंट और वोल्टेज, जैसे करंट और वोल्टेज है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। ठीक है, विच कैन वेरी कंटिन्यूसली विद द टाइम, जो हमारे पास टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करता है, यानी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, उन सिग्नल्स को कहते हैं बेटा एनालॉग सिग्नल। इजी है, क्या कहते हैं, ऐसे सिग्नल्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो हमारे पास टाइम के साथ वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास, जो हमारे पास टाइम के साथ वेरी क्या करते हैं, करंट करते हैं, एसी करंट है। देखो, एसी करंट का यही हमारे पास वो बात आता है ना, टाइम के साथ सिग्नल चेंज, वैसे ही वोल्टेज का सिग्नल यही आता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल की। तो डिजिटल सिग्नल में क्या हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल में दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू फ्रॉम द फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल। देखो बेटा, एक फाइनाइट सेट के लिए, देखो इतने पर क्या है, टाइम कांस्टेंट था, तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या मिली, कांस्टेंट मिली। देखो, इतने टाइम के लिए कांस्टेंट वैल्यू मिली, फिर इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू मिली। देखो, वेरी कर रहा पर कांस्टेंटली किसी सेट के लिए इक्वल वैल्यू मिल रही है ना। दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू फॉर अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू एट एनी गिवन टाइम आर कॉल्ड, किसी गिवन टाइम पे क्या होगी, डिस्क्रीट वैल्यू यानी अलग अलग वैल्यू आएगी, कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। समझ गए, हमारे पास एनालॉग सिग्नल क्या होती है, जिनकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, और डिजिटल सिग्नल जिनकी वैल्यू एक टाइम इंटरवल में सेम रहती है। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे रेडिक्स और बेस की। बेस क्या होते हैं, रेडिक्स क्या होता है, कभी ये पूछ देता है कि जो नंबर सिस्टम है उनमें रेडिक्स क्या शो करता है और बेस क्या शो करता है। ठीक है, तो बेटा हम बात करेंगे रेडिक्स क्या शो करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास रेडिक्स है, देखो हमारे पास रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम पे बात करेंगे, नंबर सिस्टम बोलते किसे है। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास ये डिजिटल सिग्नल्स हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम नंबर के टर्म्स में क्या करते हैं, नंबर के टर्म्स में हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर्स के टर्म में डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास ओपन है, क्लोज है। ठीक है, तो इनको 1001, जैसे हमारे पास बाइनरी सिस्टम में 01 होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिट और सिस्टम यूज इन द नंबर सिस्टम इज नोन एज बेस। और तो बेटा, जो हमारे पास जो नंबर है ना, जो हमारे पास नंबर हम क्या करेंगे, डिजिटल सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। देखो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिटल और डिजिट्स ऑफ सिस्टम, जो हमारे पास जो नंबर्स के डिजिट है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इन द नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम में यूज़ करेंगे, इज नोन एज रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम। जैसे हमारे पास देखो, रेडिक्स ऑफ द डेसिमल ऑफ नंबर, जो डेसिमल को बेटा 10 से, देखो 10 क्या है, 10 नंबर, 10 है ना हमारे पास डेसिमल में क्या होते हैं, हमारे पास डेसिमल में होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 हमारे पास नंबर रहते हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर रहते हैं, 2, कौन कौन से, 0 और 1, है ना, 0 और 1 हमारे पास केवल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2। तो बेटा, उनकी जितने नंबर है, इंडिपेंडेंट नंबर किसमें कितने हैं, इसमें 2 है, तो इसके रेडिक्स कितने हो जाएंगे, 2 रेडिक्स हो जाएंगे, या बेसिस 2 हो जाएंगे।
डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 है, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना, और 10 तो 0 से स्टार्ट होता है बेटा, कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 है, ऑक्टल नंबर से, बेटा नाम से ही पता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 होता है, ठीक है। और हमारे पास रेडियल ऑफ द हेक्साडेसिमल में कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। अब हम इनके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारे पास मैंने फर्स्ट बताया था आपको डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इट इज 10 रेडिक्स नंबर सिस्टम, यानी इसमें 10 नंबर इंडिविजुअली नंबर होंगे। सो इट हैज 10 डिफरेंट डिजिट, देखो कौन कौन से डिजिट है, वो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखो ये 10 नंबर रहते हैं किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इन 10 नंबरों से हम कोई सा भी सिग्नल है उसे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल नंबर आफ्टर 0 आर रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ दीज 10 नंबर ओनली। फॉर एग्जांपल देखो, इन और इस 9 के बाद जितने भी नंबर होंगे ना, उनको हम इन्हीं 10 नंबरों से डिनोट कर सकते हैं। देखो जैसे 10 लिखना है 1 और 0, 11 लिखना है 1 1, 12 लिखना है 1 2, कितने भी नंबर हम क्या, अब हम इनफाइनाइट नंबर इन 10 नंबरों से सारे के सारे नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेटा जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसमें सारे के सारे क्या डेसिमल नंबर से ही जनरेट करते हैं उनको, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्लेन एज द सम ऑफ द वेरीज डिजिट मल्टीप्लाई बाय दियर प्लेस ऑफ वैल्यू और द वेट। देखो बेटा क्या होता है, अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास देखो, जैसे 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3 ये है, और हमारे पास फॉर फ्रैक्शन के लिए 10 to the power -1, 10 to the power, देखो जैसे मेरे पास 3 5, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 3 5 8, देखो जैसे मैंने क्या निकाला था, 3 5 8 6 है, ठीक है, और 0.265 है। इसका मैंने क्या निकालना है, डेसिमल नंबर सिस्टम निकालना है। तो बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, डेसिमल नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। आप देखो कैसे निकालता है, एक प्रोसेस है इसकी, मैग्नीट्यूड निकालता है 3 5 8 3.86.265, ठीक है। तो बेटा इनके नंबर को सम कर देते हैं, जैसे 3 है तो ये देखो पीछे से स्टार्ट करता है, बेटा पीछे से स्टार्ट करता है, तो देखो ये फर्स्ट प्लेस पे है 10 to the power 0 पे, है ना, फिर ये 10 to the power 1 पे, देखो ये होता है इकाई दहाई, ऐसा करते हैं ना, जो हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं उनको हम ऐसे करके गिनते हैं, ठीक है। तो 10 to the power 0 इसका प्लेस वैल्यू कितनी है, ये है फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, ऐसे करके हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 6 क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 to the power 0 प्लेस पे है ये इंटू 6, वैसे ही 10 to the power 1 प्लेस पे है इंटू 8, 10 to the power 2 प्लेस पे है इंटू 5, और 10 to the power 3 प्लेस पे है। तो देखो यानी हमने इनका प्लेस डेसिमल यानी 10 की पावर में जितने प्लेस पे है, तो देखो 3 5 8 6 है 0.265, और इनको कैसे फ्रैक्शन में, 10 to the power 0 यहाँ से, 10 to the power -1 और 10 to the power -2, यहाँ जो पॉइंट के बाद है उनको क्या माइनस में डिनोट करते हैं, उनके प्लेस वैल्यू के, प्लेस वैल्यू यानी किस स्थान पे वो है ना, ये है 0 वाले स्थान पे, यहाँ से 1 2 फिर 3 ऐसे, तो ये 10 to the power में आती है ना। तो जो हमारे पास है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास देखो 3 5 8 6 है, पहले मैं जो हमारे पास जो होल नंबर है पॉइंट वाला मैं बाद में निकालूंगा, पहले जो हमारे पास नंबर है इसका निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 6 कौन से प्लेस वैल्यू पे है, 10 to the power 0 वैल्यू पे है, प्लस इनको सबको ऐड करते हैं, 8 किस पे है, 10 to the power 1 पे, देखो 10 to the power 1 इस पे इंटू करेंगे, प्लस हमारे पास 5 है किस पे, 10 to the power 2 पे, है ना, 10 to the power 2, ये है 10 to the power 0 पे, 10 to the power 1 पे, 10 to the power 2 पे, और प्लस ये है 3 किस पे है, 10 to the power 3 पे। तो बेटा देखो 10 to the power 0 यानी 1, तो ये आ गया 6 plus 80, है ना, 10 to the power यानी 1 यानी 10 into 80, ये हो जाएगा 5 into 100 और प्लस 3 into 1000,
तो बेटा टोटल जितना आएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका, इस नंबर का। इस नंबर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना हमने ये, अब आप कोई सा भी नंबर निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो हमारे जो बाइनरी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे मेरे पास है 4, 5, 9, 6, तो इसका मैंने क्या निकालना है, इसका मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम निकालना है। ये किस प्लेस पर है, 10 to the power 0 प्लेस पे। ये कौन से प्लेस पे है, 10 to the power 1 प्लेस पे। ये 10 to the power 2 प्लेस पे। ये 10 to the power 3 प्लेस पे। अब बस मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो नंबर और उसका इंटू में उसका प्लेस, प्लस सेकेंड नंबर और उसके इंटू में उसका प्लेस, प्लस थर्ड नंबर उसके इंटू में उसका प्लेस, प्लस फोर्थ नंबर उसके इंटू में उसका प्लेस। तो ये जितना भी टोटल करके जितना भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर। अब देखो फ्रैक्शन की क्या बात होती है, जैसे पॉइंट में है, इसके बाद 0.356 बोल रखा है। ठीक है, तो 356, देखो 10 to the power -1 यहाँ से इधर से गिनेंगे। ठीक है, 10 to the power -1, इसकी प्लेस वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि ये फ्रैक्शन में है बेटा, क्योंकि पॉइंट के बाद है। ठीक है, ये हो गया 10 to the power -2 और ये 10 to the power -3। काम वही करना है, प्लेस वैल्यू इंटू उसका मैं जो हमारे पास नंबर है, प्लेस वैल्यू 10 to the power -1 प्लस जो हमारे पास नंबर और उसकी प्लेस वैल्यू, प्लस जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू, है ना। तो यानी 3 into 10 to the power -, यानी 0.1, प्लस 5 into 10 to the power -2 यानी 0.01, प्लस 6 into 10 to the power -3 यानी 0.001। तो ये कितना हो गया, 0.3 प्लस 0.05 प्लस 0.006। तो बेटा ये टोटल करेंगे 0.356 आ जाएगा। तो देखो अगर मुझे इस पूरे नंबर की निकालनी है मैग्नीट्यूड, तो जो हमारा जी निकला आगे वाले का, जो हमारे पास नंबर का निकला प्लस जो फ्रैक्शन का निकला, इतना तो इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, इनकी इंटीग्रल और फैक्टर, जो हमारे पास फ्रैक्शन के लिए, देखो इंटीग्रल पार्ट के लिए जो उनकी प्लेस वैल्यू है ऐसे करके करना है, और जो हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट है उनको ऐसे करके डिनोट करना है। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे। देखो मैंने वैल्यू निकाल के भी बता रखी है, जैसे देखो 6 का 10 to the power 0 प्लेस पे है, ये 10 to the power 1 प्लेस पे, 10 to the power 2 प्लेस पे, ये 10 to the power 3 प्लेस पे। तो इनको सम करके जितना भी आएगा, और जो हमारे पास 0.2265 है, जो पॉइंट के बाद है ना 265, इसे देखो मैंने 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई सा भी मैग्नीट्यूड देगा तो आप निकाल, कोई सा भी नंबर देगा डेसिमल नंबर, उस पर मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने रेडिक्स होते हैं बेटा, 2 रेडिक्स होते हैं। मैंने बताया रेडिक्स यानी उसमें कितने नंबर हम उसे इंडिविजुअल नंबर है, कौन कौन से नंबर है, 0 and 1 बाइनरी नंबर। जैसे इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 थे, है ना, 10 थे। 10 कौन कौन से थे, 10 थे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पे केवल 0 और 1 है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट डिजिट, ऑल नंबर्स इन दिस नंबर सिस्टम आर रिप्रेजेंट इन द 0 और 1। एक 0 और 1 के टर्म में केवल हम क्या करेंगे, 0 और 1 के टर्म में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट 10 डेसिमल नंबर्स कौन कौन, जो हमारे पास हम इन बाइनरी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर को भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स हैं, देखो जैसे फर्स्ट है 0, उसके बाद होता है 1, फिर 10, फिर 11, क्योंकि हमारे पास 1 और 0 ही है, इन्हीं से हमने नंबर बनाए हैं। तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 10 हो सकता है, एक 11 हो सकता है, 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, क्योंकि देखो 1 और 0 से ही बन रखे ये सारे के सारे नंबर। ठीक है, तो ये सारे बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर जनरेट कर रखे मैंने। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। देखो अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करेंगे द प्लेस वैल्यू। अब देखो हम मैग्नीट्यूड कैसा निकालते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या किया था, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 to the power में किया था, है ना, प्लेस वैल्यू को 10 to the power में रखा था। यहाँ हम जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होगा उनको 2 to the power में रखेंगे। बेटा डेसिमल में 10 नंबर थे ना, तो उसकी पावर में रखते हैं। यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, जो हमारे रेडिक्स है 2 है, तो 2 की पावर में रखते हैं। देखो जैसे मेरे पास काम वही है, जैसे पर 1001, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम 956 नहीं लिख सकते क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है ही नहीं। 0 और 1 से जितने भी नंबर बने के वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है इसका,
मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 to the power 0, क्योंकि ये बाइनरी नंबर से, बाइनरी यानी दो, तो इसमें 2 to the power 0 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, यानी ये कहाँ पे है, 2 to the power 0 पे है, फिर ये 0 है 2 to the power 1 पे, फिर ये 2 to the power 2 पे, और ये 2 to the power 3 पे। तो देखो बस क्या करना है, मैग्नीट्यूड जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू प्लस जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू 1 प्लस जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू इंटू में 2 प्लस जो नंबर है 1 इसकी प्लेस वैल्यू 2 to the power 3। तो देखो बेटा 2 to the power 0 यानी 1, 1 into 1 प्लस इसके साथ 0 प्लस ये भी 0, और ये हो जाएगा प्लस 1 into 2 to the 4 to the 8 into 2 to the power 0 यानी 8, ठीक है। तो ये हो गया 1 plus 8, ये कितना आ गया, 9 आ गया बेटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया इस नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम का, 9 है, ठीक है। ऐसे हम फ्रैक्शन में करेंगे, देखो जैसे मेरे पास 1.001.25 था, इसका तो मैंने निकाल दिया, 2 फाइंड नहीं होगा बेटा क्योंकि 0 0 होगा, है ना, 0 0 या 1 1 ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 1 1 ही ले लेता पॉइंट में। तो देखो इसका आगे वाले का तो 9 आ गया, अब पीछे वाले का देखो 0.11 का निकालेंगे, तो इसकी कितनी होगी, 10 to the power -1 और 2 to the power -2, 2 to the power होगी क्योंकि बाइनरी नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 to the power 0, 10 to the power 1 करते थे, है ना, यहाँ पे 2 to the power 1 करेंगे क्योंकि दो रेडिक्स है हमारे पास, 0 और 1, ठीक है। तो 2 to the power -1, 2 देखो अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका 1 into 2 to the power -1 नंबर इंटू प्लेस वैल्यू प्लस नंबर इंटू प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 1/2 यानी /2 प्लस 1/2 to the power 4 यानी स्क्वायर। अब सॉल्व करके जितना आ जाएगा 9 और प्लस 9 कर देंगे, टोटल का निकालना है, इस टोटल का हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम को जैसे मैंने, देखो इसमें फ्रैक्शन, ये इंटीग्रल पार्ट कौन है, जो इंटीजर्स हैं ये हैं, और फ्रैक्शन कौन है, पॉइंट के बाद जो होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। देखो 1 0 0 का कैसे निकाला, 0 into 2 to the power 0 इसकी प्लेस वैल्यू 2 to the power 0 इसकी 2 to the power 1 2 to the power 2 इसकी 2 to the power 3 इसकी 2 to the power 4। तो ऐसे करके हमने 4 तक निकाला, फिर आया 18, ठीक है। और 1 की देखो पॉइंट के बाद कितना है, 0.1 है, तो 1 into 2 to the power -1 यानी 0.5। अब देखो टोटल कितना आ गया, ये 2 क्यों लिख रहा है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 लिखेंगे नीचे से, ठीक है। और ये टोटल करके ये आ गया, ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आया, क्योंकि 1, 8, 5 ये सारे किस में होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लगा रखा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, हमने करा डेसिमल नंबर सिस्टम और हमने कर दी बाइनरी नंबर सिस्टम की बात, ठीक है। अब बेटा अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होंगे, 8 8 हमारे रेडिक्स या बेसिस होंगे, यानी 8 इंडिपेंडेंट डिजिट होंगे हमारे पास, ठीक है। इट इज़ रेडिक्स 8 नंबर सिस्टम एंड हैज़ 8 क्या डिजिट, जो डिस्टिंक्ट डिजिट होती है, अलग अलग डिजिट होती है, कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 बेटा इसमें 8 नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 डिजिट होती है, ठीक है। इस नंबर सिस्टम को कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, कौन सा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो द प्लेसेस वैल्यू ऑफ द डिफरेंट, अब देखो बेटा जैसे उसमें प्लेस वैल्यू को किस में रिप्रेजेंट करते थे, डेसिमल में 10 to the power 0, 10 to the power 1, इसमें करते थे बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, बेटा यहाँ करेंगे 8 to the power 0, 8 की पावर 1, 8 की, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड देखो जैसे इंटीग्रल पार्ट के लिए जो 8 to the power 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इंटीग्रल पार्ट के लिए, अब फ्रैक्शन पार्ट के लिए जो डेसिमल में है 8 to the power -1, 8 to the power -2, 8 की पावर -3, ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चन आ गया, जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जैसे हमारे पास इन्हीं नंबर से बनेगा, ठीक है, कौन से नंबर, जो 0 1, देखो जैसे मेरे पास 1 0 2 3.567, इसका मुझे क्या निकालना है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। वो देगा कि ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू 8 to the power 0, इसकी 8 to the power 1, 8 की पावर 2, और इसकी 8 की पावर 3। तो पहले इंटीग्रल पार्ट का, तो इंटीग्रल पार्ट का पीछे से स्टार्ट करते हैं, 8 की पावर 0 प्लस 2 का 8 की पावर 1, जो इसकी प्लेस वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये है 0, 8 to the power 2 प्लस लास्ट में है 1 into 8 to the power 2, है ना, 2 3 हो जाएगा, है ना। तो देखो हमारे पास 8 to the power 0 यानी 3 प्लस 16 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा,
जितना भी आएगा ठीक है, ये देखना 64 × 8 जितना भी हमारे पास सॉल्व करके आएगा इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आगे इंटीग्रल पार्ट का आ जाएगा ठीक है। अब फ्रैक्शन पार्ट का कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 और 8 की पावर -3, फिर ये भी सेम प्लस करके जो डेसिमल वाले हैं वो इसका जो वैल्यू आएगी उसके साथ प्लस करके 5 × 10 की पावर -1 प्लस 6 × 10 की पावर -8, 8 की पावर 2 ठीक है, ऐसे ही 7 × 8 की पावर -3 हो जाएगा क्योंकि 3 तक जा रहा है ना, तो 3 हो जाएगा जितना भी सॉल्व करके हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। हमें प्लेस वैल्यू देखनी है, मैं प्लेस वैल्यू कैसे देखनी है, जो हमारे पास जहाँ पे से है यहाँ से 0 से स्टार्ट आगे भी हो सकता है इससे ठीक है, 8 की पावर 2 अगला होगा, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, यहाँ से 8 - 1, 8 की पावर -2, 8 की पावर, और भी सारे डिजिट होंगे तो पावर में चलती जाएगी ठीक है। ये होती है प्लेस वैल्यू बेटा। तो ये हमारे पास था ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हमने बात करी और हमने बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करी ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे पास लॉजिक गेट है, बूलियन अलजेब्रा है ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।